एक ऐसा देश जहाँ पर लड़कियाँ पुरुषों को अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा औरतों का बाजार लगता है। इस देश में हर रात लड़कियाँ पुरुषों को मजाक करवाने के लिए खुलेआम सड़कों पर घूमती है। इस देश की लड़कियों को देखकर आप भी कहेंगे कि चलो कुछ तो मजे कर लिए जाए। एक ऐसा देश जिसे स्नैक्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर दुनिया का सबसे अनोखा फेस्टिवल रियो कार्निवल भी मनाया जाता है। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर पुलिस लैम्बोर्गिनी या फरारी नहीं बल्कि सवारी के लिए भैंसों का इस्तेमाल करती है। इसी देश में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी माना जाता है। दोस्तों इस देश का नाम है ब्राजील। इसी देश में आपको चलते चलते ही एनाकोंडा के दर्शन हो जाते हैं। अब समझिए कि जैसे हमारे देश में चलते चलते रोड पे गाय या भैंस आ जाती है, वैसे ही इस देश में हाईवे पर कई बार आपको एनाकोंडा देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि इनकी वजह से कई बार रोड पे जाम भी लग जाता है। क्या आपको पता है कि ब्राजील देश को ट्राइब्स कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर कम से कम 70 अनकॉन्ट्रैक्ट ट्राइब्स है। इनमें से ज्यादा ट्राइब्स के लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेजोन में रहते हैं। ये इतने खतरनाक है कि कई बार इन ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर तक पर हमला कर देते, वो भी तीर धनुष से। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी ब्राजील की जो पुलिस है वो कई बार चोरों को पकड़ने के लिए भैंस का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, ये है इस देश की सच्चाई। पुलिस इतनी एडवांस है उसके बावजूद भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई सारे एरियाज ऐसे है जो कि पूरी तरह से दलदल में बने। ऐसे में यहाँ पर गाड़ी या बाइक को भगाना आसान काम नहीं है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है। कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल के बारे में किसे नहीं पता होगा। ये धीरे धीरे ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है। दोस्तों इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग रोड पे निकलते और फुल ऑन मस्ती करते। जब तक ये फेस्टिवल चलता है तब तक समझिए कि इस देश का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। तभी तो कहते हैं कि हर किसी को एक बार इस फेस्टिवल में यहाँ का एटमॉस्फेयर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। दोस्तों ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको सांप ही सांप देखने को मिलते हैं। इस आइलैंड का नाम है स्नैक आइलैंड। इसे इहा दा कुए माडा ग्रैंडे के नाम से भी जाना जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कम से कम आज के दिन भी 4 लाख से अधिक सांप रहते, या फिर कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी और का जाना अलाउड नहीं है। कहते हैं कि आज तक जो भी इंसान चुपके से इस आइलैंड पर गए वो मारे गए। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। ब्राजील देश में एक ऐसी चीज भी होती है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। इस देश में जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता, चाहे जो भी कारण हो, ऐसे में यहाँ की सरकार छोटे बच्चे के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और उससे बच्चों को पिलाया जाता है। क्या आपने कभी इस तरह की चीज किसी और देश में होते हुए भी सुनी है। यहाँ की महिलाएं काफी ज्यादा बोल्ड और सुंदर होती है। हॉट फिगर बोल्ड होने की वजह से कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन ये उनके लिए आम बात है क्योंकि रोमांटिक होना उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। इसीलिए ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा लड़कियों का बाजार लगता है और ये लड़कियां पुरुषों के साथ चिपकने के लिए पीछे पड़ी रहती है।